इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन डेमन एंड पेथिस, और इस लेसन के आप लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसी तरह से फोर ऑप्शन दिए जाएंगे, पेपर में बताया जाएगा कि राइट ऑप्शन जो है ए बी सी और डी में से आपने वो चूज़ करना है, और हर ऑप्शन का इक्वल मार्क्स है, वन मार्क है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नंबर वन एमसीक्यूज कौन सा है, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसमें से राइट ऑप्शन है वो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इस तरह से हाईलाइट कर दिया है, ताकि जब आप लोग अपने पेपर की प्रिपरेशन करें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर वन एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाई डिड नॉट द पीपल डैश, तो इसमें राइट ऑप्शन आएगा डी, रिबेल, कि आखिर लोग जो हैं वो बगावत क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ का किंग बहुत जालिम था ना, तो उसके ख़िलाफ़ ये बात कह रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब नो वन डैश सेज अ वर्ड अगेंस्ट द किंग और हिज लॉज, कि कोई भी, राइट ऑप्शन आएगा ए, डेयर्ड, जुर्रत करना, कोई भी जुर्रत नहीं करता था कि बादशाह या उसके बनाए हुए कवानीन के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी कहने की। नेक्स्ट है हमारे पास, कम एंड टेल दिस डैश ऑफ योर्स टू द किंग्स फेस, राइट ऑप्शन आएगा इसमें ए, ओपिनियन, कि आओ चलो और बादशाह के मुंह पर जाकर ये अपनी राय जो है बताओ। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर फोर, व्हेन द किंग मॉक्ड एट डेमन फॉर हिज ट्रस्ट इन पेथिस ही सेड डैश, कि जब बादशाह ने डेमन का मजाक उड़ाया था और उसका जो है उसने पेथिस पर यकीन करके उसको भेजा था ना, खुद जेल में आ गया था उसकी जगह, तो इस बात पर बादशाह ने जब उसका मजाक उड़ाया डेमन का, तो उसने आगे से क्या जवाब दिया, उसने कहा था डी, आई ट्रस्ट इन हिम, के मुझे अपने दोस्त पर पूरा यकीन है। नेक्स्ट है हमारे पास, हेड रॉबर्स नॉट इंटरसेप्टेड पेथिस ही वुड हैव बीन बैक डैश, तो इसमें राइट ऑप्शन आएगा बी, वन डे बिफोर, कि अगर रास्ते में वो जो लुटेरे हैं या चोर हैं वो पेथिस को राह में ना रोकते तो क्या होता, तो वो एक दिन पहले ही, जो मुकर्रा दिन था उससे एक दिन पहले ही वापस पहुंच जाता। नेक्स्ट है हमारे पास, द रोबर्स वर डैश इन नंबर्स, वो जो लुटेरे थे वो तादाद में कितने थे, तो राइट ऑप्शन आएगा बी, टू, कि तादाद में वो दो थे। नेक्स्ट है, द किंग सेड दे नियरली किल्ड एन इनोसेंट मैन, हु वॉज एन इनोसेंट मैन, कि बादशाह ने कहा कि वो तकरीबन एक मासूम आदमी को कत्ल करने ही वाले थे या मारने ही वाले थे, तो किसके बारे में बादशाह ने कहा था, वो इनोसेंट मैन, मासूम आदमी कौन था आखिर, तो राइट ऑप्शन आएगा इसमें बी, डेमन, वो डेमन था, क्योंकि डेमन अपने दोस्त की जगह प्रिजन में रुका हुआ था ना, इसलिए। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर एट, द किंग वॉज रेडी टू गिव ऑल हिज वेल्थ एंड ज्वेल फॉर डैश, के बादशाह जो है वो तैयार था अपनी तमाम दौलत और जवाहरात देने के लिए किसे, राइट ऑप्शन आएगा डी, वन फ्रेंड लाइक डेमन एंड पेथिस, के एक ऐसा दोस्त, मुखलिस दोस्त, अगर उसको डेमन या पेथिस की तरह मिल जाता है तो वो उस दोस्त पर अपने सारी दौलत और हीरे जवाहरात कुर्बान कर सकता था। नेक्स्ट है, इन द एंड द किंग रियलाइज्ड दैट डैश, आखिर में, कि जब हम ये जो स्टोरी पढ़ रहे थे इसके आखिर में बादशाह को क्या एहसास हुआ, उसको ये एहसास हुआ, राइट ऑप्शन आएगा सी, अ सिंसियर फ्रेंड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्लिस, के एक जो सच्चा या मुखलिस दोस्त होता है वो अल्लाह ताला की सबसे कीमती नेमत होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, दे टेल मी यू डू नॉट डैश द लॉज आई मेक, यहाँ ये वर्ड बादशाह ने कहे हैं कि ये मुझे बता रहे हैं कि तुमने मेरे बनाए हुए जो कवानीन हैं उनको क्या नहीं किया, तो राइट ऑप्शन आएगा बी, अप्रूव ऑफ, कि मेरे बनाए हुए कवानीन को तुमने एक्सेप्ट नहीं किया या उसको माना नहीं है तुमने। नेक्स्ट है, आई स्पीक फॉर डैश, तो पेथिस कहता है ये बात जब उसको बादशाह के सिपाही पकड़ लेते हैं, बादशाह कहते हैं ना तुम अब सब लोगों की तरफ से बोलोगे, तो वो कहते हैं नहीं, आई स्पीक फॉर, राइट ऑप्शन आएगा बी, माई सेल्फ अलोन, कहता है कि मैं सिर्फ अपने अकेले की बात कर रहा हूँ, लोगों ने मुझे नहीं भेजा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब डेमन एंड पेथिस लिव्ड ऑन द आइलैंड ऑफ डैश, के डेमन और जो पेथिस हैं वो रहते थे, आइलैंड कहते हैं जजीरे को, किसके जजीरे पर, राइट ऑप्शन आएगा सी, सिसिसली, सिसिसली के जजीरे पर रहते थे। नेक्स्ट है,
डेमन एंड पेथिस वर डैश फ्रेंड्स, कि डेमन और पेथिस जो थे वो कैसे दोस्त थे। तो राइट ऑप्शन आएगा इसमें डी, सिंसियर, कि वो मुखलिस दोस्त थे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिंसियर थे। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 14, द प्ले डेमन एंड पेथिस हैज़ बीन रिटन बाय डैश, कि ये जो प्ले है ड्रामा डेमन और पेथिस किसने लिखा है। राइट ऑप्शन आएगा बी, फैन किसन। फैन किसन जो है वो इसके राइटर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन अदर वर्ड्स यू आर कॉलिंग मी अ डैश। राइट ऑप्शन आएगा बी, टायरेंट, के दूसरे लफ्ज़ों में तुम मुझे जालिम या जाबर कह रहे हो। बादशाह ने ये अल्फाज कहे थे। नेक्स्ट है अब हमारे पास, द किंग ऑफ दैट कंट्री वॉज क्रूअल एंड डैश, कि उस मुल्क का जो बादशाह था वो क्या था, जालिम था। और राइट ऑप्शन आएगा ए, टायरेंट, के जालिम और जाबर था। नेक्स्ट है, ही शोड नो मर्सी टुवर्ड एनीवन हु डैश हिज लॉज, तो ये बादशाह के बारे में ही बात कही जा रही है कि वो बिल्कुल भी रहम नहीं करता था उस पर जो, राइट ऑप्शन आएगा ए, ब्रोक, ब्रोक हिज लॉज, के जो उसके बनाए हुए जो कवानीन होते थे उनको तोड़ता था बादशाह, उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता था। नेक्स्ट है हमारे पास, डोंट ट्राई टू डैश पेथियस, इसमें राइट ऑप्शन आएगा ए, रेजिस्ट, ये जब बादशाह के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं ना, तो पेथिस आगे से कहता है, हिलता है थोड़ा सा, तो उसके सिपाही कहते हैं कि रेजिस्ट मत करो, मतलब मजाहमत मत करो, अपने आप को छुड़वाने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट है हमारे पास, द किंग कंसिडर्ड पेथिस अ ट्रेटर बट नॉट अ डैश, इसमें क्या आएगा कि बादशाह जो है पेथिस को एक ट्रेटर होता है, गद्दार या बागी कह लें आप लोग, वो तो समझता था कि वो गद्दार है, मतलब बादशाह के बनाए हुए कवानीन को नहीं मानता, लेकिन वो उसे एक, राइट ऑप्शन आएगा बी, फूल, लेकिन वो उसे एक बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं समझता था। नेक्स्ट है हमारे पास, द किंग गेव डैश टू पेथिस टू रिटर्न टू द स्क्वेयर टू फ्री डेमन, राइट ऑप्शन आएगा इसमें सी, 2 वीक्स, के बादशाह जो है ना पेथिस को आखिर कितना वक्त देता है कि वो वहाँ, वो जो उसने कहा था ना कि पब्लिक स्क्वेयर पे फांसी दी जाएगी, तो उस स्क्वेयर तक वापस आने के लिए कितना टाइम देता है बादशाह, 2 वीक्स देता है, कहता है 2 हफ्ते तक तुम वापस आ जाना, नहीं तो डेमन को जो है फांसी दे देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, द किंग विजिटेड डेमन इन द प्रिजन डैश बिफोर द टाइम वाज अप, बादशाह जो है उसने डेमन के पास, वो खुद उस प्रिजन में, उस कैद खाने में आया था, कब आया था, बिफोर द टाइम वाज अप, के जब वक्त ख़त्म होने में कितनी देर बाकी थी, तो इसमें राइट ऑप्शन आएगा हमारे पास ए, 2 डेज, के उसका जो मुकर्रा वक्त था जो उसने पैथिस को दिया हुआ था वो ख़त्म होने में 2 दिन बाकी थे, तो बादशाह ने वहाँ आकर डेमन का मजाक उड़ाया था कि देखो तुम्हारा दोस्त वापस नहीं आया। नेक्स्ट है हमारे पास, पेथिस रिटर्न फ्रॉम हिज मदर वाज डैश जर्नी, के पेथिस जो है अपनी अम्मी से मिलकर वापस आ रहा था, और कितने दिन तक उसने वापस आ जाना था, राइट ऑप्शन है सी, 3 डेज, के 3 दिन पहले उसने वापस पहुंच जाना था। नेक्स्ट है हमारे पास, पेथिस बिलीव्ड दैट डैश मे हेल्प ब्रिंग बेटर डेज फॉर द पीपल, पेथिस को ये यकीन था, राइट ऑप्शन आएगा बी, हिज डेथ, कि उसकी जो मौत है ये बहुत से दूसरे लोगों की जो ज़िंदगी है उनमें बेहतर दिन लेकर आएगी। नेक्स्ट है, द रॉबर्स कॉट पेथिस एस ही वॉक्ड थ्रू वुडलैंड, लाइट ऑप्शन इसमें आएगा डी, ट्विलाइट, के रॉबर्स वो जो लुटेरे थे उन्होंने पेथिस को पकड़ लिया था जब वो जंगल में से गुजर रहा था, और वो किस वक्त गुजर रहा था जंगल में से, तकरीबन शाम का जो थोड़ा सा धुंधला होता है ना, शाम के हल्के हल्के अंधेरे में से गुजर रहा था, उस वक्त 2 लुटेरों ने उसे पकड़ लिया था। नेक्स्ट है, ऑन दी वे पेथिस वाज रॉब्ड बाय डैश रॉबर्स, के रास्ते में पेथिस को कितने लुटेरों ने पकड़ा था, तो राइट ऑप्शन आएगा इसमें ए, 2, वो 2 थे तादाद में। नेक्स्ट है, यू मेक मी वेरी डैश डेमन, तो ये बात बादशाह ने कही थी, राइट ऑप्शन इसमें क्या आएगा सी, क्यूरियस, कि बादशाह ने डेमन को कहा था कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस कर दिया है, कि मतलब उसने कहा ना कि मैं जेल में रहूँगा, मेरा दोस्त 2 हफ्तों के लिए जाएगा उसकी इस बात पर। नेक्स्ट है अब हमारे पास, डेमन एंड पेथिस लिव्ड इन एंड डैश ऑफ सिसिली, कि वो सिसिली के किस पर रहते थे, तो राइट ऑप्शन आएगा डी, आईलैंड, के सिसिली के जजीरे पर रहते थे। नेक्स्ट है,
It was an dash to speak against the king or his cruel laws. राइट ऑप्शन आएगा इसमें सी क्राइम, कि ये एक जुर्म था बादशाह और उसके बनाए हुए कवानीन के खिलाफ बोलना, बाकायदा एक क्राइम था वहाँ पर. नेक्स्ट है पेथिस डिड नॉट लाइक द किंग्स डैश विद डेमन, तो इसमें राइट ऑप्शन आएगा डी बार्गेन, कि पेथिस को बादशाह की जो बार्गेन होता है सौदेबाजी, कि बादशाह ने जो डेमन के साथ सौदेबाजी की थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी. नेक्स्ट है I wish I could do something to dash you. Right option आएगा B save you. ये वो friend अपने दोस्त को कह रहा होता है ना, Damon अपने दोस्त Pythias को कहता है कि मैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि काश मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ कर सकता. Next है हमारे पास I shall take your dash in the prison cell, कि मैं जो है ना यहाँ जेल में क्या करूँगा. Right option आएगा A place, कि यहाँ तुम्हारी जगह मैं जेल कोठरी में रहूँगा. तो फ्रेंड्स ये थे हमारे डेमन एंड पेथिस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़. यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज़ कंप्लीट होते हैं.